दोस्तों, यदि आपका फोन काफी कम समय में काफी ज्यादा हीट होने लगता है, आप जब भी किसी गेम्स को 10 से आधा घंटे 1.5 घंटे खेल लेते हैं, तो उसके बाद आपके फोन पे एक नोटिफिकेशन आता है और आपका फोन नॉर्मल सी बात है हाथ में लिए रहते हैं, तो आपको पता चलता है कि मोबाइल काफी ज्यादा हीट हो जाता है। तो आप अपनी इस हीटिंग प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आज की वीडियो को आपको लास्ट तक देख लेना। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन मेरे को जरूर प्रेस कर लेना। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे हम बात करें कि मोबाइल की हीटिंग प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मोबाइल की हीटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ से आपको बेसिक से कुछ ट्रिक करनी होगी, जिसके लिए आपको अपने फोन पे कुछ एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसकी वजह यह होती है कि हमारे फोन का जो प्रोसेसर होता है, हमारे फोन का जो रैम होता है, वो अधिकतम जितना, मान लो कि आपका फोन का रैम है 4 GB रैम और आपके फोन पे काफी ज्यादा एप्लीकेशन यूज होते हैं, आपके फोन पे काफी ज्यादा एप्लीकेशन होते हैं, तो गाइस वो 4 GB रैम उन एप्लीकेशन में काफी नहीं पड़ता और इसकी वजह से फिर आपके फोन पे हीटिंग प्रॉब्लम एंड हैंगिंग प्रॉब्लम देखने के लिए मिल जाती है। तो इसके लिए यहाँ से आपको सबसे पहले जो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना, उसकी मदद से आप ये कर पाओगे कि एप्लीकेशन होते हैं आपके फोन पे, जो एप्लीकेशन रन कर रहे होते हैं, एप्लीकेशन को जो कि आप बंद कर सकते हैं। अब इसमें डरिएगा नहीं, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगी, बस इस एप्लीकेशन में आपका डाटा नहीं खर्च होगा, मतलब आपका मेमोरी यूज नहीं होगा। तो इसके लिए गाइस आपको पहली एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसका नाम है फोरस्टॉप। गाइस आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना, इस एप्लीकेशन की मदद से जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन करोगे तो यहाँ से आपके फोन के सारे एप्लीकेशन शो हो जाएंगे। तो आपको हर एक एप्लीकेशन को सेलेक्ट होने के बाद यहाँ से आपको कुछ करना नहीं, बस आपको कुछ परमिशन इनेबल करना और उसके बाद यहाँ से आपको फिर बूस्ट का ऑप्शन मिल जाता है, बूस्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना और डायरेक्टली गाइस क्या होगा कि आपके वो एप्लीकेशन जितने भी आपके फोन एप्लीकेशन होते हैं ना, वो डायरेक्टली क्लोज होना शुरू हो जाएंगे, मतलब फुल स्टॉप हो जाएंगे, मतलब आपके बैकग्राउंड में ये एप्लीकेशन रन नहीं करेंगे। और उसके बाद फिर आप किसी हाई गेम को प्ले करिए, आपका फोन कभी भी जल्दी गर्म नहीं होने वाला। ओके तो गाइस, इस पहली एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। बात मानो, अगर ये पहली ट्रिक को ही अगर आप अप्लाई करते हो तो 100% इसी ट्रिक की मदद से आप अपने फोन के हीटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। उसके बाद मैं आपको सेकंड ट्रिक बता देता हूँ आपको क्या करना है। सेकंड ट्रिक के लिए आपको अपने फोन पे एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस एप्लीकेशन का नाम है फोन मास्टर। ठीक है, एंड ये फोन मास्टर एप्लीकेशन 100% रियल एप्लीकेशन, कोई फेक या कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो कि आपके साथ कुछ गलत करे, नहीं, एप्लीकेशन 100% रियल है। और इस एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन कर लोगे तो यहाँ से आपको काफी कुछ ऑप्शन मिल जाता है, इसकी मदद से आप अपने फोन पे वायरस को रिमूव कर सकते हो। एंड स्टोरेज की प्रॉब्लम होती है तो आपके फोन पे काफी ज्यादा स्टोरेज की प्रॉब्लम जब होती है, तो गाइस देखो आप यहाँ पे मैंने इस एप्लीकेशन को ओपन किया और मेरे फोन पे 2.80 GB का फालतू का स्टोरेज, जो कि कुकीज एंड केसेस फाइल होते हैं, तो इतना ज्यादा डाटा हमारा 3 GB के आसपास जो कि फालतू में जो फुल पड़ा हुआ है, तो सिंपली आपको क्लीन पे क्लिक कर देना और डायरेक्टली आपका उतना डाटा जो कि स्पेस जो आपका फालतू में फुल है वो खाली हो जाएगा। तो फोन मास्टर एप्लीकेशन काफी बढ़िया एप्लीकेशन है एंड ये फ्री एप्लीकेशन है, तो अगर आप डाटा ऑन करके इसे यूज करोगे तो एड्स आ सकते हैं, तो एड्स को आपको मैनेज कर लेना है। और उसके बाद यहाँ से फिर एप्लीकेशन आपकी ओपन हो जाएगी। और हीटिंग की बात हो रही तो देखो गाइस, अगर आपका फोन काफी ज्यादा हीट होता है तो आपको यहाँ से फोन कूलर वाला ऑप्शन मिल जाता है। अब फोन कूलर वाले ऑप्शन से आप क्या कर सकते हो कि आप अपने फोन को हीटिंग से बचा सकते हो। यदि आपका फोन हीट हो जाता है, काफी गर्म हो जाता है और आपके फोन से नोटिफिकेशन आ जाती है कि आपका फोन काफी ज्यादा हीट हो गया है, तो भाई उसके बाद फिर आपको एप्लीकेशन को बंद ही करना पड़ता है। फोन कूलर पे आ जाओगे तो यहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ बटन जो कि इनेबल करने होते हैं, जैसे कि मैं अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला यहाँ से अनचेक कर देता हूँ, और उसके बाद यहाँ से आप सभी को इस तरह मार्क कर लेना और उसके बाद कूल डाउन पे क्लिक कर देना। जैसे आप कूल डाउन पे क्लिक कर दोगे, आपके फोन के सारे सिस्टम बंद हो जाएंगे, सारे सिस्टम बंद हो जाएंगे और कुछ ही मिनट के अंदर आपका फोन एकदम नॉर्मल हो जाएगा। तो इस एप्लीकेशन की मदद से आप इस तरह अपने फोन की हीटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। तो गाइस, अगर आपका फोन हीट करता था तो मैंने आपको 2 ट्रिक बता दी है, जिसे अप्लाई करते ही आप अपने फोन को हीटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।